अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वो हमारे हर घर का मसला है। हमारे घरों में, ऑफिसेज में या कमरों में काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है और हमें रोज़ रोज़ उसकी डस्टिंग करना पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करेंगे कि अगर आप उस सिस्टम को बना के घर में लगाते हैं, अपने ऑफिस में लगाते हैं, कमरे में लगाते हैं, तो काफ़ी हद तक आप धूल मिट्टी से, डस्ट से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, ये जो सिस्टम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह जो बाहर के ममालिक में, अच्छे जो ममालिक हैं वहाँ पर घर डिज़ाइन किए जाते हैं, उनके अंदर ये सिस्टम लाजमी तौर पर लगाया जाता है। इसीलिए उनके घरों में काफ़ी ज़्यादा सफाई रहती है और उनको रोज़ रोज़ डस्टिंग नहीं करना पड़ती। तो अगर आप भी अपने घर में, ऑफिस में या कमरे में ये सिस्टम बना के लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये डस्टिंग से या धूल मिट्टी से काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल कर सकेंगे। मार्केट में जो सिस्टम इस तरह के अवेलेबल हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि ये बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं। हमारे इधर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं बनाया जाता और ना ही इस चीज़ का कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ पर ये सिस्टम काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए या कमरे के लिए इस तरह का एक छोटा सा सिस्टम बना के अपने कमरे में लगा लें, तो काफ़ी हद तक आप ये डस्टिंग से या धूल मिट्टी से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। इस सिस्टम का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये जो सिस्टम होगा, ये जो बाहर की हवा है उसको प्योरीफाई करके, साफ़ करके आपके कमरे के अंदर भेजेगा, जिससे आप अपने कमरे में बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे और आपकी हेल्थ पे भी काफ़ी मुस्बत असर पड़ेगा। तो दोस्तों, इस सिस्टम को डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ये धूल मिट्टी या डस्ट है वो किस वजह से हमारे घरों में आती है। इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो एग्जॉस्ट फैन है। हमने वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैन लगाया होता है या किसी किचन में या कहीं भी एग्जॉस्ट फैन हमारा चल रहा होता है, जो कि जो अंदर की हवा है उसको बाहर फेंकता है, और जब वो अंदर की हवा को बाहर फेंकता है तो हमारे घर में एक वैक्यूम सा बन जाता है। जब वैक्यूम बनता है तो बाहर से जितनी भी डस्ट है, पोल्यूशन है, वो हमारे घर से होती हुई बाहर निकलती है और हमारे टेबल पे, किताबों पे या जितनी भी हमारे घर में फर्नीचर वगैरह चीज़ें पड़ी होती हैं वो सारी डस्ट उधर जमा हो जाती है और जो एयर है वो बाहर निकल जाती है। तो सबसे बड़ा जो सोर्स है डस्ट का, धूल मिट्टी का, वो एग्जॉस्ट फैन है। और दूसरा, अगर आपके घर में एग्जॉस्ट फैन नहीं भी लगा तो वैसे भी एयर की क्रॉसिंग रहती है और उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आपके घरों में, चीज़ों में जमा हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि ये जो सिस्टम होता है जो हमारे कमरे के अंदर डस्ट वगैरह को नहीं आने देता, ये काम किस तरह करता है। दोस्तों, इस तरह के जितने भी सिस्टम हैं वो हमारे कमरे के अंदर एक पॉजिटिव एयर प्रेशर बना के रखते हैं, यानी कि हमारे कमरे के अंदर एक हवा का दबाव मौजूद होता है जो कि हर आने वाली, जो बाहर से आने वाली चीज़ है उसको बाहर की तरफ धकेलता है। चाहे बाहर की एयर है या कोई डस्ट है, वो हर तरफ से कमरे के अंदर चूंकि एक प्रेशर मौजूद है, वो किसी भी हवा को या डस्ट को अंदर नहीं आने देता, चाहे वो दरवाज़े के नीचे से हो, खिड़की से हो या कहीं से भी हो, या कोई छोटा सा सुराख हो, कहीं से भी वो बाहर की एयर को या डस्ट को अंदर नहीं आने देता, चूँकि अंदर प्रेशर मौजूद है और प्रेशर बाहर की तरफ चीज़ों को धकेलता है। इसलिए हमारा जो कमरा है वो हर तरह की डस्ट से महफूज रहता है। और जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो बिल्कुल इस सिस्टम के उलट काम करता है। एग्जॉस्ट फैन कमरे के अंदर एक तरह का वैक्यूम बना देता है। जब कमरे के अंदर वैक्यूम बनता है तो वैक्यूम जो होता है उसका काम चीज़ों को खींचना होता है। वो तमाम अतराफ से, कमरे के चारों तरफ से, खिड़की से, दरवाजे से, एयर को या डस्ट को या हर तरह की पोल्यूशन को वो अंदर की तरफ खींचता है। जब इस तरह की जो डस्ट है वो कमरे के अंदर से होती हुई बाहर एग्जॉस्ट फैन से बाहर निकलती है तो काफ़ी ज़्यादा जो डस्ट है वो चीज़ों के ऊपर जमा हो जाती है। इसी वजह से हमारा कमरा जो है वो बहुत जल्द गंदा हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि आप इस तरह का सिस्टम खुद घर पे कैसे बना के अपने कमरे में, अपने स्टडी रूम में, अपने ऑफिस में लगा सकते हैं। अगर आप पूरे घर के लिए इस तरह का सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसको भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि वो कैसे डिज़ाइन होगा, घर की कैपेसिटी मुझे बताएं तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। अगर आप छोटे से कमरे के लिए, ऑफिस के लिए बनाना चाहते हैं तो उसका मैं तरीकाकार अभी आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको एक फ़ैन चाहिए, छोटा सा फ़ैन इस्तेमाल कर
सकते हैं। और इसके साथ आपको एक अदद पाइप का टुकड़ा चाहिए और आपको एक फ़िल्टर चाहिए। ये जो फ़िल्टर है ये आपको किसी भी बाइक्स वाली शॉप से मिल जाएगा। यहाँ पे जो मैं फ़िल्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो होंडा 70cc का फ़िल्टर है। आप किसी भी बाइक का फ़िल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, कार का फ़िल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए आपने ये जो फ़ैन है उसके पीछे एक पाइप का टुकड़ा लगाना है और उसके साथ ही आपने पीछे की तरफ एक फ़िल्टर लगा देना है। अब इस फ़िल्टर का फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही जो फ़ैन है वो एयर को खींचेगा, जितनी भी एयर होगी वो इस फ़िल्टर के ज़रिए होती हुई पास होगी, तो एयर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल हैं वो इस फ़िल्टर के अंदर जमा हो जाएंगे और बिल्कुल फ्रेश एयर, किसी भी तरह की पोल्यूशन से पाक एयर आपके कमरे में एंटर होगी। अब आपने इस सिस्टम को घर की खिड़की के अंदर इस तरह लगाना है कि जो ये फ़ैन है वो बाहर से एयर को अंदर की तरफ धकेले। जब ये अंदर की तरफ फ़िल्टर वाली एयर को अंदर की तरफ लेके आएगा तो घर के कमरे के अंदर एक पॉजिटिव एयर प्रेशर बन जाएगा। जो आपका दरवाज़ा है उसके नीचे से जो एयर आती है वो बाहर की तरफ जाएगी। जो ये फ़िल्टर वाली एयर है कमरे से होती हुई, ये चूँकि ये साफ़ है, बिल्कुल डस्ट से पाक है, तो ये जो एयर होगी ये कमरे के अंदर एक तो प्रेशर बना के रखेगी, ताज़ा हवा कमरे के अंदर मौजूद होगी और जब ये बाहर गुजरने लगेगी तो ऐसे बाहर की तरफ जाएगी, जितनी भी डस्ट है या पोल्यूशन है उसको बाहर की तरफ धकेलेगी, तो कमरे के अंदर एक पॉजिटिव एयर प्रेशर मौजूद होगा ताज़ा हवा का। तो इस तरह आपको बहुत कम्फर्टेबल फील होगा, डस्ट से भी आप फ्री हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा सिस्टम है, आप इसको अपने कमरे के अंदर, ऑफिस के अंदर, स्टडी रूम के अंदर या जहाँ पे आप ज़्यादा देर बैठते हैं, कैबिन के अंदर इस तरह का सिस्टम डिज़ाइन करके खुद लगाएं, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आप बड़े घर के लिए इस तरह का सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें। आप मुझे कमेंट करके अपने घर का रकबा बताएं कि आप कितने बड़े घर में इस तरह का सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको फ़ैन की कैपेसिटी बता दूंगा, कौन सा आपने फ़िल्टर लगाना है वो बता दूंगा, तो आप पूरे घर के लिए भी इस तरह का सिस्टम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। मार्केट में भी बने बनाए मिल जाते हैं, मगर वो मैंने पहले आपको बताया कि बाहर से आते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, अगर आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी बेस्ट हैं। दोस्तों अगर आपके जहन में कोई सवाल आते हैं या आप कहीं से भी समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह बरवक्त रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।